जुदा मत हो तुम क्यों उदास हो? सुदेश मेरी एक ही बहन है, उसकी जिंदगी में इतना सब कुछ होने जा रहा है और मैं उसमें शामिल भी नहीं होंगी। मम्मी अब्बा से कहें कि हमें माफ कर दें। हाँ हाँ माफ कर देंगे, क्यों नहीं माफ कर देंगे, तुम्हारे बाप हैं, कभी तो गुस्सा ठंडा होगा ना उनका। खुशफहमी है तुम लोगों की। मैं कभी भी इस लड़की को बेटी की हैसियत से कबूल नहीं करूंगा, इससे कोई वास्ता नहीं है मेरा। उनकी नाराजगी वजह है लेकिन वो माफ कर देंगे। माँ बाप सदा नाराज नहीं रहते। मैं मुझे किसी भी हाल में माफ नहीं करना चाहता। मेरे काम करते ना, मैं चला जाता हूँ उन्हें मनाने। जुदा मत हो। लगता है तुम्हारे अब्बा आ गए। जी अम्मा। अरे अम्मा आप बैठे, मैं देख लेती। अच्छा जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। आपके अब्बा हुजूर अंदर हैं? नहीं, वो नमाज पढ़ने गए हैं। आप खड़े क्यों, आप अंदर आए ना प्लीज। शुक्रिया। सोचा आज उनके साथ दो दो हाथ ही हो जाए। आए प्लीज। आए अंकल। अम्मा भाई साहब आप। वालेकुम अस्सलाम बहन। वालेकुम अस्सलाम, बैठे ना बैठे। कितने अफसोस की बात है बहन कि इतना करीबी रिश्ता होने के बावजूद आप हमें देखकर परेशान ही रही। आप, नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है बहन। अब्दुल मनान भाई के घर आने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी देखिए बहन, बच्चों से गलती जरूर हुई है लेकिन मेरी तह दिल से गुजारिश है कि आप इन्हें माफ कर दें। ये अपनी गलती की सजा बहुत भुगत चुके हैं। भाई साहब मैं तो कब का इन दोनों को माफ कर चुकी हूँ। लेकिन मैंने उन्हें कभी माफ नहीं किया। तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? अपनों को अंदर आने के लिए इजाजत नहीं लेनी पड़ती। हम कोई अपने नहीं है। मेरा ना आपसे कोई रिश्ता है और ना ही कोई ताल्लुक। आप जुबान से बेशक ना माने लेकिन रिश्ता तो बन चुका है। आप यहां आए क्यों हैं? टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए। रिश्ते तो तब टूटते हैं जब बने हो। मैं तो पहले दिन से नए इस रिश्ते को मानता हूं और समझता हूं। भाई साहब आप ऐसा नहीं कर सकते। गोश्त से नाखून कभी जुदा नहीं होता। हो जाता है और उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है। मैं भी बड़े अरसे से
तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा हूं और लोगों से अपना जख्म छुपा रहा हूं। कोई भी जख्म सदा हरा नहीं रहता, मुंदमिल हो ही जाता है। लेकिन कुछ जख्म मुंदमिल नहीं होते, नासूर बन जाते हैं। हाँ, अगर उन पर मरहम ना लगाए जाए तो। आप यहां मुझसे ये फजूल बहस करने आए हैं? नहीं भाई साहब, नहीं। मैं तो बस आपको समझाने आया हूं। भाई साहब, बच्चे गलतियां करते हैं और बड़ों की बढ़ाई इसी में है कि वो उन्हें माफ कर दे। खुद आपके पैरों तले से जमीन खिसकी तो आपने बेटे को माफ कर दिया। आपने बेटे को माफ नहीं किया, आपकी मजबूरी ने किया। मैंने आपसे कहा था ना डैड, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं बेटे, बच्चों की खुशी के लिए अगर कोई तलख बात सुननी भी पड़ जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। मुझे तो उस बच्ची के आंसू यहां ले आए। इतने रिश्ते होने के बावजूद वो अपने आप को तन्हा महसूस करती है। ये तन्हाई उसने खुद खरीदी है और अब सारी जिंदगी उसे इसी तन्हाई के साथ जीना पड़ेगा। भाई साहब, भाई साहब, उसे इस खुशी से महरूम ना करें। मैं का तो बेटियों का मान होता है। उन बेटियों का मान होता है जो अपने बाप की इज्जत और माँ की रजा को अपने पल्लू से बांध कर बाबुल की दहलीज पार करती है। ऐसी बेटियों का कोई महका नहीं होता। बता दीजिएगा जाकर उस बदबख्त को। क्या हुआ? तुम इतना फोन कर रही थी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या कहा अबू ने? मुझे पता था कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। और मुझे अब भी यकीन है कि वो मान जाएंगे। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो एक बाप है और माँ बाप कितने भी सख्त क्यों ना हो, औलाद कितनी भी संगीन गलती क्यों ना करे, जब औलाद माफी मांगती है ना तो माँ बाप माफ कर देते हैं। लेकिन अब्बा कभी किसी को माफ नहीं करते। लेकिन तुम्हें माफ जरूर करें। मुझ जैसा शख्स झुक सकता है तो वो भी जरूर झुक जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही होगा। अगर अब आप में से कोई भी मान ही जाएगा, अगर अब्बा को मुझे माफ करना है तो वो वैसे ही कर देंगे, वरना जिंदगी गुजर ही जाती है अपनों के साथ या अपनों के बगैर। सुदेश बेटे जाओ उसके पास, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। जी। अम्मा,
पापा कभी नहीं बदलेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे हमेशा। सतीश भाई के डैड को देखें, वो इस हालत में भी उठ के यहाँ आए सिर्फ अब्बा को समझाने, और अब्बा ने उनका जरा ख्याल नहीं किया, इतना भी ख्याल नहीं किया कि वो समाह के ससुर हैं। वो सोचते ही तो नहीं। अम्मा, अब्बा का दिल क्यों नहीं पिघलता है आखिर? वो क्यों इतने अड़ियल है? इतनी माफी मांगने पर तो अम्मा अल्लाह भी अपने बंदे को माफ कर देता है, भासों का तो बिना मांगे ही माफ कर देता है। हाँ, वो चाहे तो उनका दिल नरम हो सकता है, लेकिन सिर्फ वो, कोई और नहीं। अम्मा आप देखिएगा, अब्बा समा को मेरी शादी पर भी शरीक नहीं होने देंगे। मुझे तो लगता है कि वो मेरी मैयत पे भी उसको आकर दो आंसू बहाने की इजाजत नहीं देंगे। क्या हो गया अम्मा? अल्लाह ना करे अच्छा अच्छा बोले। मौत तो बरहक है ना बेटा, एक दिन तो आनी है। हम सब अपनी अपनी मौत को भूले बैठे। अम्मा प्लीज अच्छा अच्छा बोले, अल्लाह ना करे ऐसी दुआएं मांगने के बजाय अप्पा के हक में दुआ मांगे कि अल्लाह उनके दिल की सख्ती दूर करे। आमीन। अच्छा चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई। सानिया क्या बात है बेटा, इतनी खामोश क्यों बैठी हो? अम्मा ये घर कहीं से शादी का घर तो नहीं लग रहा, ना ही कोई चहल पहल है ना ही कोई रौनक है। क्या हुआ है, दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही हो? मुझे बताओ, मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ, वहां भी तुम मुझे नहीं बता रही थी। टेल मी ना, मुझे अभी वलीमे के भी तो लेने। आपको लगता है हमारी शादी में कोई शिरकत होगी? कुछ भी नहीं होगा, अब फजूल काम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं। जुदा मत हो ना, जुदा मत हो ना। थैंक यू जी, थैंक यू। आज चाय चाहिए? आज हमारी बेटी इतनी खामोश क्यों है? नहीं खामोश नहीं, मैं बताता हूँ। इसकी बहन की शादी 3 दिन में और इवानी जा सकते। खैर कोई बात नहीं, अभी शादी में 3 दिन है ना, देखना अल्लाह जरूर कोई ना कोई काम ऐसा करेगा कि तुम शादी में शरीक हो जाओ इंशाल्लाह। अरे इसमें हैरानी की कौन सी बात है, कोई भी सजा सारी जिंदगी की तो नहीं होती ना। उम्र कैद की सजा पाने वाले भी एक ना एक दिन जरूर छूट जाते। थैंक यू डैड, इतनी अच्छी सोच रखते हैं आप, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ये सोच तो अल्लाह हर एक में रखता है, अल्लाह तो खुद प्यार ही प्यार है, तो फिर वो अपने मखलूक को इससे महरूम क्यों रखे? लेकिन कभी कभी इंसान अपने गुरूर में ना अपनी इसी खासियत को नजरअंदाज कर देता है। आप ऐसी बातें भी करते हैं, मुझे पता नहीं था। थैंक यू जी, लेकिन तुम बातें ना बनाओ और आज समाहा को अपनी बहन की शादी के लिए जाके शॉपिंग कराओ, जो इसे जरूरत है वो दिलवा दो। डैड जब मैं शादी पे नहीं जा रही तो शॉपिंग करके फिजूल में पैसे जाया नहीं करना चाह रही। तुम देखना इंशाल्लाह जरूर शरीक होगा। ठीक है, ऑफिस नहीं जाता हर दिन की तो शॉपिंग। हां भाई तुम तो बस मौका ढूंढते हो।
सानिया क्या बात है बेटा, इतनी खामोश क्यों बैठी हो? अम्मा ये घर कहीं से शादी का घर तो नहीं लग रहा, ना ही कोई चहल पहल है ना ही कोई रौनक है। हमारा कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है, तुम्हारे अब्बा उठा के कराची ले आए थे, ना कहीं आना जाना। शायद इतनी महंगाई हो गई है, कौन आता है इतनी महंगाई के दौर में? अम्मा जो इस शहर में है उनसे भी अब्बा कहाँ मिलने देते। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, तुम्हारे अब्बा हैं कि अपनी जिद ही नहीं छोड़ते। अम्मा इतनी तो सजा काट ली उसने, अब तो अब्बा को माफ कर देना चाहिए उसे। बेटा भी है दो तीन, शायद अल्लाह उनका दिल मोम कर ही दे। आप सिर्फ ये सोचें कि अगर समाहा आ गई तो कितना मजा आएगा, कितनी रौनक होगी इस घर में। एकदम से रौनक आ जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, ये शादी वाला घर नहीं लग रहा, क्या कोई मर्ग हो गई है? ये तो फौतगी वाला घर लग रहा है। मैं समझ गया क्यों तुम लोगों का मूड खराब है, क्यों मुंह बना हुआ है मुझे पता है। मैंने वो जो मेहंदी और माइयों की खुराफात की इजाजत नहीं दी उस वजह से, है ना? हाँ तो हमने कब जोर दिया इस बात पर, आपने कहा ये मुनासिब नहीं है, हम मान गए। हाँ तो फिर बूथे तो ठीक करो। हम तो बस ये, हम तो बस क्या अब्बा, समाहा को माफ कर देना प्लीज। फिर वही मुर्गे की एक टांग, कह दिया कि नहीं तो फिर नहीं। आप क्यों इतने पत्थर दिल हो गए अपनी औलाद के लिए? दिल तो उसी दिन पत्थर का हो गया था सईदा बीबी, जब तुम्हारी बेटी ने अपने दिल की मान कर मेरे दिल की परवाह नहीं की और उस लड़के का हाथ पकड़कर इस घर के दरवाजे से बाहर निकल गई। ये दरवाजा अब उसके लिए बंद हो चुका है हमेशा के लिए। अच्छा ये देखो, ये वाला मैंने देखा हुआ था पहले भी, मैं चेक कर चुका हूँ। Look at this। हाँ? अच्छा समाहा, हाँ? क्या हुआ है, दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही हो? मुझे बताओ, मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ, वहां भी तुम मुझे नहीं बता रही थी। टेल मी ना, मुझे अभी वलीमे के भी तो लेने। आपको लगता है हमारी शादी में कोई शिरकत होगी? कुछ भी नहीं होगा, फजूल काम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं। देखो हमें कंफर्म तो नहीं बताना कि हम शरीक नहीं होंगे, हो तो सकते हैं, तो हमें अपनी तैयारी तो मुकम्मल करनी है ना। मैं अपने अब्बू को अच्छी तरह जानती हूँ, अगर वो किसी चीज़ पे अड़ जाते हैं तो उस बात से बिल्कुल भी नहीं हटते, और इस बार तो वो गलत भी नहीं है, इतनी बड़ी गलती है और वो भी हमारी। समा बार बार इस बात को दोहराना बंद कर दो, आई नो हमारी गलती थी जिसकी हमें बहुत बड़ी सज़ा भी तो मिली है। ठीक है अब छोड़ो, ये जल्दी से मुझे हेल्प करो चूज करने में, उसके बाद तुम्हारे भी तो कपड़े लेने। कम मुझे बताओ ये अच्छा है, इस कलर में देखते हैं जरा। नहीं बहुत फॉर्मल, यही अच्छा है ये ना। हाँ ये भी अच्छा है। ये देखो ये टू डार्क। हाँ I think this one ये नहीं, बहुत खूबसूरत है ना, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा और इसका कलर तुम पे बहुत सूट करेगा, बहुत अच्छा टेस्ट है तुम्हारा। इसका टेस्ट नहीं,
मेरा सब कुछ मैंने चूज किया, ये तो वहां पे बस खड़ी हुई थी। सीरियसली क्यों भाई, क्या तुम अभी तक ना उम्मीद हो मेरा इतना समझाने के बावजूद? पता नहीं क्यों आप सबको इतनी उम्मीद है, जबकि मुझे पता है ये सारी चीजें बस मेरी अलमारी में ही लटकी पड़ी रहेंगी। बेटा कहते हैं मायूसी कुफर है, और ये भी कहते हैं कि जब तक सांस है ना आस है, और ये कोई गलत भी नहीं है। जब तक सानिया की शादी का लम्हा आकर गुजर नहीं जाता, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। मैं तब तक के सारे लम्हात मेरे लिए कितने तकलीफ दे हैं ये मैं आपको नहीं बता सकती। हम तुम्हारी फीलिंग समझ सकते हैं, दिल मत छोटा करो। क्या पता सानिया की शादी से पहले तुम्हारे डैड सब कुछ भूल जाए और गुस्सा भी थूक दे। हो सकता है शायद। देखो ना, मुमकिन को मुमकिन होने में कौन सी देर लगती है। तुमने कभी सोचा था कि हम सब यहाँ एक साथ इकट्ठे बैठे होंगे ऐसे? नहीं ना, मुझे तुम्हें इस तरह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। I really wish I could do something for you. I just want to see you happy. ये सच कह रही है बेटा, अल्लाह दिलों पर कादिर है, और तुम्हारे अब्बा का दिल उसी की मुट्ठी में है। अच्छा मुझे बहुत भूख लग रही है, सज्जन आज तुम खाना लगाओगी, चलो शाबाश। छोटी बहन हो, ज्यादा वो नहीं करो। Fine. You're coming to help me, okay? Me? Yeah. No. आप सारी चीजें याद से रख लेना, सादिया आती होगी अपने भाई के साथ गाड़ी लेकर। जी अम्मा, मैंने सब कुछ रख लिया है। कुछ भी मत भूलना, वरना फिर इतनी दूर से कौन आएगा, है ना? अल्लाह भला करे तुम्हारी दोस्त का जो तुम्हें लेकर जा रही है। अम्मा अब दोस्त तो इतना काम आ ही सकते हैं। अगर तुम्हारे अब्बा समाहा को माफ कर देते ना, तो वो खुद तुम्हें लेके जाती अपने साथ। अभी भी तो अम्मा वही सब कुछ कर रही है। हाँ, उसकी वजह से ही अल्लाह ताला ने इतना अच्छा रिश्ता दिया है। अल्लाह खुश रखे, मेरी बच्ची को बहन होने का हक अदा कर दिया उसने। हाँ अम्मा, उसी ने तो किया है सब। काश हम भी उसके लिए कुछ कर सकते। तेरी फजूल बकवास मैं नहीं सुनूंगा। फजूल बकवास नहीं है ये, हमेशा उसने बेटा बनकर दिखाया है। ये सारा शादी का खर्चा, जहेज, ये अच्छा रिश्ता, ये सब समाह की वजह से है। आप क्या समझते हैं कि आप जो सारी जिंदगी मुझे पैसा देते रहे, वो बचा के मैं कमेटियां डाल के ये सब कुछ किया है मैंने? किस मुगालते में आप बनान साहब? जुदा मत होना।
ये कौन से वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं आप? नफल पढ़ रहा था शुक्राने के, अल्लाह ने आज मुझे एक बड़ी मुश्किल और जिम्मेदारी से आजाद कर रहा है। बेटियां मुश्किल नहीं होती, हमारी तो है। काश काश आप उन्हें जहमत की जगह रहमत समझते। कपड़े इस्त्री हो गए मेरे? जी। इशा पढ़ के आऊं तो तैयार है ना, मुझे कपड़े बदलने में देर नहीं लगेगी। और वो सानिया कब आएगी पार्लर से वापस? आ जाएगी हमारे निकलने से पहले। मैं थोड़ा खाने वाले को फोन करके पता कर लूं, सब तैयारी तो ठीक है ना? काश मेरा कोई बेटा होता तो कम से कम मेरा हाथ तो बटाता आज। चलो ऐसे अल्लाह की बनी। बेटियां भी कम नहीं है आपकी, इस बार भी समाह ने बेटे से बढ़कर जिम्मेदार होने का सबूत दिया है। फिर नाम लिया उसका? क्यों ना लूं मैं उसका नाम, बेटी है वो हमारी। और आप जो ये आज शाने चौड़े किए सानिया का बोझ उतारने जा रहे हैं ना, ये सब भी समाह की वजह से है, वरना कौन आता हमारे घर में, कौन झांकता? ये इतना अच्छा रिश्ता सिर्फ उसी ने करवाया है, और सानिया के ससुराल वाले सब जानते हैं। तेरी फजूल बकवास मैं नहीं सुनूंगा। फजूल बकवास नहीं है ये, हमेशा उसने बेटा बनकर दिखाया है। ये सारा शादी का खर्चा, जहेज, ये अच्छा रिश्ता, ये सब समाह की वजह से है। आप क्या समझते हैं कि आप जो सारी जिंदगी मुझे पैसा देते रहे, वो बचा के मैं कमेटियां डाल के ये सब कुछ किया है मैंने? किस मुगालते में आप बनान साहब, आपने तो सारी जिंदगी बस मुझे इतना ही दिया जो मैं दांतों से पकड़ पकड़ कर खर्च करती हूँ। अपनी सिलाइयों का ताना मैं इसलिए नहीं दूंगी कि मेरा फर्ज था आपका हाथ बटाना। और समाह, आपके लाख बार धुतकारने के बावजूद भी उसने आपसे मुंह नहीं मोड़ा। झूठ बोल रही है तू। झूठ नहीं है ये, आप अच्छी तरह से जानते हैं। छोड़ दीजिए अपनी इज्जत को, निकल आए अपने पत्थर के खोल से बाहर। बाप के दिल इतने सख्त नहीं होते मन्नान साहब। बेटियों से प्यार करना तो सुन्नत है हमारी, क्या आपको कुछ भी याद नहीं? माफ कर दीजिए उसके उस गुनाह को जो आपकी बेजा सख्तियों की वजह से उससे सरजद हो गया। काश आपने कभी बाप बनकर उसके सर पर दस्ते शफकत रखा होता। तो आपसे इतनी बदजन ना होगी आज। दिन रात लटकती रहती है मेरे सर पे तुम्हारी बड़ी वाली बेटी तवास। अल्लाह ऐसी बेटी किसी को न दे। बेटियां बोझ होती हैं माँ बाप के सीनों पर, सिल की तरह होती हैं, जल्दी ये सरक जाएं उतनी ही जल्दी माँ बाप को सुकून का सांस आता है। बेटियां भी कम नहीं है आपकी, इस बार भी समाह ने बेटे से बढ़कर जिम्मेदार होने का सबूत दिया है। ये सारा शादी का खर्चा, जहेज, ये अच्छा रिश्ता, ये सब समाह की वजह से है। और समाह,
आपके लाख बार धुतकारने के बावजूद भी उसने आपसे मुंह नहीं मोड़ा। Okay. Let's fly. Okay. समाह तुम्हारे अब्बा है यार, जल्दी चलो। ठीक तो है ना सानिया और अम्मी? अम्मी ठीक है? आप यहाँ कैसे आ गए? क्या मैं अपनी बेटी के घर नहीं आ सकता? चल मैं तुझे लेने आया हूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी बहन की शादी है, इसे रुख्सत नहीं करना। देखा बेटी, मैं कहता था ना कि तुम्हारे वालिद साहब तुम्हें लेने जरूर आएंगे। माँ बाप कितने भी खफा हो, सारी जिंदगी तो खफा नहीं रहती। औलाद के पैदा होने से पहले ही अल्लाह उनके दिलों में उसकी मोहब्बत उतार देते हैं। लेकिन मैं सारी जिंदगी इस मोहब्बत से नजर चुराता रहा। इनका कसूर सिर्फ ये था कि ये बेटियां थी। मैं समझता था कि बेटियां बोझ होती हैं, और फिर अल्लाह ने एक की बजाय दो दो बोझ मेरे कांधों पर रखे हुए थे, जिससे मेरे शाने झुक गए थे। लेकिन मैं भूल गया था कि बेटियां तो फूलों की तरह होती हैं, और फूलों का वैसा बोझ मैंने तो कभी प्यार से इनके सर पर भी हाथ नहीं फेरा, नहीं गले से लगाया। कितना बदनसीब हूं मैं, मुझे माफ कर देना बेटी। आप मुझे माफ कर दें, मैंने आपके बहुत नाफरमानी की है। इसकी वजह भी मेरी बेजा सख्ती थी। चले भाई, अब माफी तलाफी का वक्त नहीं रहा, सानिया की रुखसती का वक्त हो जाएगा, और फिर हमें भी तो तैयार होना है। आप सब भी मुझे माफ कर दें।
अरे भाई साहब, नुमान ने कहा ना, माफी तलाफी का तो अब वक्त नहीं, बाद में। फिर आप सब लोग आएंगे ना शादी पे? जी अंकल, हम सब तैयार होके आ रहे हैं, फिक्र मत करें। ठीक है बेटा। अंकल मुझे भी माफ कर दें प्लीज, समाहा को उकसाने में मेरा भी हाथ था। बैठ जाओ। अरे आप अभी तक यहीं बैठे हैं, गाड़ी का क्या हुआ? तुम लोग तैयार हो क्या? जी। ओ, गाड़ी आने वाली है। किसी दोस्त से मंगवाई है? हाँ गाड़ी, जिंदगी की गाड़ी तो बड़े ही नाहमवार रास्तों पर चलती रही है। अब सोचा है कि इसे सही रास्ते पे डाल ही। मैं उनको फोन कर लूं बहुत देर। वो लोग तो आ गए। समाह आ जाओ आ जाओ। आज 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 क्यों, समाहा को देख के यकीन नहीं आ रहा? अब आपने क्या वाकई समाहा को माफ कर दिया है? नहीं, मैंने समाहा को माफ नहीं किया। समाहा ने मुझे माफ कर दिया। क्यों बेटा, अपने गुनाहगार बाप को माफ कर दिया है ना? बा कैसी बातें कर रहे हैं? जीती हो? जितनी ठंडक आज मैं रस्सी में पड़ी है जिंदगी में कभी नहीं पड़ी। इसलिए तो कहते हैं भाई साहब, बेटियां अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम होती है। चलो बेटा। किसी ख्वाब से जुदा।